हिमांशु गागल। हिमांशु गागल गागल यस सर। कहाँ से हैं आप सर? जोधपुर। जोधपुर से? अभी जोधपुर से आ रहे हैं आप? यस सर। यू हैव पास आउट फ्रॉम द आईआईटी आईएसएम धनबाद। यस सर। इन 2021 एमटेक मास्टर्स। यस सर। एंड बीटेक फ्रॉम? बीटेक फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर। बीकानेर से। तो जब आपने मास्टर्स ही कर लिए देन आई थिंक यू शुड गो इन द रिसर्च साइड और यू शुड गो इन एकेडमिक साइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस आरपीएससीआईएन? सर फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक माय मेजर एम वाज टू डू समथिंग जॉब व्हिच आई कैन गो फॉर माय सोसाइटी नियर टू माय सोसाइटी एंड सर फ्रॉम माय द बर्थ माय बिगेस्ट एम वाज टू मतलब आई हैड सीन द ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट फ्रॉम ब्रिजेस मेनी थिंग्स and I was really more attracted to them. I have done my M.Tech but sir my M.Tech was just to do something because sir from the 2017 to 2019 I was not getting any positive result so that I can change my environment so I have done the M.Tech there. Okay, आप society के लिए सेवा करना चाहते हैं? Yes. तो NGO खोलिए ना, इसी job में इसी job से क्यों करना चाहते हैं? Sir, sir NGO is a good reason. I have been a part of NGO. But sir, I was not able to do that thing which I can do here. Why do you want to join RPSC? Sir, I am a citizen of my state. Sir, if I will be a member, sir, I am knowing my state better than if I do something in center part or something private. So, sir, something doing for my state where I know my locality peoples. Can you tell me Hindi? Yes, sir. Can you tell me in Hindi? हिंदी? कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी? हाँ टेल मी सर। मैंने सर मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो मिंगल ही आपके वर्ड ही मिंगल हो रहे हैं इंग्लिश में। ओके सर। मैंने सर मेरी राजस्थान के लिए अगर मैं काम करूँगा तो सर मैं राजस्थान के लोगों का ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कहीं दूसरे स्टेट्स में जाकर सर्व करता हूँ तो उससे मैं बेटर जानता हूँ। और सर यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी अच्छे से काम करने के लिए क्योंकि सर मैं यहाँ लोगों को जानता हूँ। मैं यहाँ पे रहा हूँ पढ़ा हूँ तो यहाँ के लोगों को जानता हूँ कि उनकी दिक्कत क्या है। राजस्थान में क्या क्या समस्याएं हैं सिविल में? सर सबसे पहले राजस्थान में सर पानी की समस्या है हमारी। सर हमारे पास राजस्थान में नियरली पूरे देश का सिर्फ 1% ही पानी अवेलेबल है लेकिन पूरे देश के हमारे पास नियरली हम 7th नंबर पर पॉपुलेशन के बेसिस पर आते हैं। तो सर सबसे मेनली तो हमारी पानी की समस्या है। तो फिर आपने WRD क्यों नहीं भरा पहले ऑप्शन? सर क्योंकि सर मैंने सर आपको जैसे पहले बताया था कि सर मैं हमेशा स्ट्रक्चर वाली चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था अट्रैक्ट होता। तो मतलब आप तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं ना, लोगों की समस्याओं के लिए काम थोड़ी करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। नहीं सर अगर मैं वहाँ पर काम करूँगा तो इसका सर मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं जैसे सर पार्क्स मैंने जैसे एनवायरमेंट मेरी PhD से की है तो सर मैं वहाँ पर पार्क्स बना सकता हूँ। और सर जैसे कोई भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं तो मैं वहाँ पास होना चाहता हूँ सर। पार्क वगैरह रिक्रेशन पार्क होते हैं ये भी PWD का काम है। इसके बाद सर अभी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि हर कोई चाहता है कि अपने कार्बन के एमिशंस को कम करें। सर अगर मैं वहाँ पे काम करता हूँ तो सर अगर जैसे कोई भी बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई भी रोड बन रहे हैं तो मैं उन पर ज़्यादा अगर ऐसा काम कर सकूँ कि हमारे कार्बन एमिशंस एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम। PhD लो ना जहाँ एनवायरमेंट का भरपूर उपयोग होगा। हाँ सर सर हाँ PhD वाले डिपार्टमेंट में एनवायरनमेंट की जब तुम बात कर रहे हो ये सारी चीज़ तो PhD डिपार्टमेंट में तो वो अप्लाई करो। तुम्हारी तुम चाहते हो कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, उनकी समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ। तुमने खुद ने बताई समस्याएं, तुमने पहले कहा कि मैं लोगों की समस्याएं दूर करना चाहता हूँ। तुमने समस्या बताई पानी की समस्या है। हाँ, तुमने उस समस्या का डिपार्टमेंट नहीं लिया। तुमने दूसरा बताया कि मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ। सर एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैं ये बता रहा हूँ कि सर कि मैं PWD में भी ये चीज़ मैं लेके आ सकता हूँ। बहुत कम है ना, पर एनवायरनमेंट के लिए काम करने का सबसे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा मुझे बताओ सर। PhD एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन सबसे अच्छी कहाँ है तीनों जगह मुझे बता दो आप। सर PhD में है सर लेकिन वो सब कर रहे हैं सर। मैं वहाँ पे PWD डिपार्टमेंट जाके कुछ नया कर सकता हूँ। तो जिसमें मैं महारत हासिल है मुझे जो मेरा फील्ड है जिसमें मैंने मास्टर्स किया है मैं उससे रिलेटेड फील्ड ना लेके दूसरा ले रहा हूँ फिर मैं वहाँ यूज करूँगा उसको। हाँ सर क्योंकि क्योंकि अभी इसकी हमारी ज़रूरत है सर हमारे देश को। और सर हमारा सर ये ट्राई भी कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एमिशन्स पानी नहीं होगा तो कार्बन डेटिंग का क्या करेंगे पहले। कार्बन क्रेडिट ये सब तो बात की बात है सेकेंडरी एक बार के लिए, पहले पानी तो हो पीने का सर। हाँ सर पानी जब सेवा ही उद्देश्य है जीवन का, जब नौकरी उद्देश्य नहीं है सेवा उद्देश्य है, दोनों में फर्क होता है। एक तो ये होता है कि मैं नौकरी भी करना चाहता हूँ और साथ साथ सेवा भी करना चाहता हूँ।
आपने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ सर, सेवा करके मैं नौकरी करना चाहता हूँ। ये तो बोला ही नहीं आपने, ये तो मैंने बोला है। नहीं सर, सेवा करके फिर नौकरी करना चाहता हूँ मेरा, सेवा करके नौकरी करना चाहता हूँ, सेवा के साथ मतलब नौकरी करना चाहता हूँ। कन्फ्यूजन है कहीं आंसर्स में, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट व्हाट यू वांट टू से। ओके नो इशू, टेल मी समथिंग अबाउट जोधपुर, व्हाट आर द मेन रिवर्स एंड डैम्स इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। सर जोधपुर की सबसे मेन रिवर जो क्रॉस करती है वो लूनी है, उसके अलावा सर उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे जोजरी मिट्री। अब सर सर अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर का सबसे बड़ा मेन डैम है जवाई डैम, जो अभी करंटली उसमें पानी स्टोर नहीं हो रहा। कोई नई योजना अभी जोधपुर को दी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जिसमें बात चल रही है? सर अभी सर आई थी, ये मैंने पढ़ा था पर अभी याद नहीं आ रहा सर, PhD से रिलेटेड कुछ योजना आई थी जो PhD बहुत बड़ी योजना के बारे में बात चल रही है। तो सर वहाँ पे बिजली ये था कि सर हमारे देश में सर वो 24 घंटे अब हम बिजली का मतलब किसानों को दे पाएंगे, तो उससे रिलेटेड जोधपुर को मिली थी एक योजना। एग्जैक्ट आपको क्लियर नहीं है अभी कौन सी योजना आपको मिली है? हाँ सर नाम याद नहीं आ रहा। और जोधपुर के बारे में क्या प्रसिद्ध है? सर जोधपुर बेसिकली अपने टूरिज्म के लिए फेमस है, लेकिन उसके अलावा सर यह हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है, जो नियरली हमारे स्टेट का एक ईयर का नेटवर्क 200 बिलियन का आउटपुट लेके आता है। उसके अलावा सर टूरिज्म देखे तो सर इस साल वो एज़ पर ट्रिप एडवाइज़र वो 3rd रैंक पर आया था, तो सर ये टूरिज़म एक इसका फेमस है। दूसरा वहाँ का ट्रेडिशन, जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं और वहाँ का कल्चर। व्हाट आर योर हॉबीज? सर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, अभी आपने पूरा देश में कहाँ कहाँ घूमे हो आप? सर देश में सर मैं नॉर्थ ईस्ट में भी गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सर असम, मेघालय, और अभी सर लेटेस्ट में कलकत्ता जाके आया था, कलकत्ता। और इससे पहले सर ट्रेवल करते वक्त आपको कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, आपको क्या बेहतर लगता है, क्या लगता है कि मतलब क्यों आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है? सर ट्रैवलिंग मुझे इस बारे अच्छी लगती है क्योंकि सर हमेशा मैं वहाँ पे नई नई चीज़ें सीख पाता हूँ सर, जैसा अगर मैं यहाँ से कलकत्ता भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ नए लोग मिलेंगे, वहाँ का नया ट्रेडिशन देखने को मिलेगा कि हम दोनों में क्या फ़र्क है। उसके अलावा सर मुझे वहाँ के नई मॉन्यूमेंट्स देखना बहुत पसंद है, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स। ओके हिमांशु, आप ये बताएं कि अगर आपको मुझे रिजेक्ट करना हो तो एक कारण कोई ऐसा है आप में जिसके कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाए? सर मेरी एक वीकनेस है जो मैं जानता हूँ सर, वो है कि मैं थोड़ा मतलब सर जब भी मुझे कोई काम दिया जाता है तो मतलब आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ काम करना है तो सर मैं वो हमेशा बड़ा ले लेता हूँ कि आज एक घंटे में मैं 300 क्वेश्चन कर लूँगा, और सर लास्ट में फिर जब वो नहीं हो पाता तो उसके कारण मैं थोड़ा एग्रेसिव और फ्रस्ट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाता हूँ। तो आपकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही फेल है आपका तो सर, जो कि इंजीनियर के बेसिक गुण है सर। लेकिन ये तैयारी में से सर ये जब मैं पहले ईएस का अटैम्प्ट दिया था उस टाइम ये दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद सर मैंने सर ये मेरे टास्क को अब कम करना स्टार्ट कर दिया। पेपर होते हैं तो उससे पहले सर मैं अब नहीं, टास्क कम या ज़्यादा का सवाल नहीं है ना, कि हमें प्लानिंग जिसे कहते हैं ना सर, एक सिविल इंजीनियरिंग को अच्छी प्लानिंग आनी चाहिए कि कितने टाइम पे क्या चीज़ें मैं कब कब कर सकता हूँ, वो प्लानिंग गड़बड़ है ना बेसिकली सर। अब लेकिन मैंने उसमें सुधार करना शुरू कर दिया है सर, कि अब मैं मेरी प्लानिंग सर अब पहले मैं बड़े बड़े टास्क लेता था, लेकिन एक हमारे जैसे पार्ट CPM में होता है माइलस्टोन्स सर, मैं छोटे छोटे माइलस्टोन्स कर रहा हूँ कि पहले 5 मिनट में ये कर लेता हूँ फिर 5 मिनट में ये कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में सोच रहा हूँ कि एज ए इंजीनियर अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा काम कितनी देर में किया जा सकता है या मैं कितनी देर में इसको आउटपुट दे सकता हूँ तो कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा सर? लेकिन सर मैं मेरी प्लानिंग को सर बड़े बड़े प्लानिंग्स को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेके उनको बड़ा कर दूँ तो सर ये समटाइम्स एज ए सिविल इंजीनियर कई बार बड़े प्रोजेक्ट भी आपको देखने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हर प्रोजेक्ट को आप 10 टुकड़ों में तोड़ दोगे। सर एक तो मुझे सर पहले एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि ठीक है इस काम को करने का इतना टाइम लेता है, मैं मेरे सीनियर से पूछ सकता हूँ कि सर कितना टाइम लगेगा, उनसे अच्छी गाइडेंस ले सकता हूँ, उससे सर मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ ये चीज़ में। डू यू थिंक दैट करप्शन इन्वॉल्व्ड इन द दीज डिपार्टमेंट्स? सर करप्शन सर होता है हाँ सर, यस सर। व्हाट विल यू डू, हाउ टू मतलब आप कैसे इसका सामना करेंगे अगर आपके साथ ऐसा किया जाता है? सर इसके लिए मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं और मेरे जो साथी हैं सर वो ना करें, क्योंकि सर कोई भी चीज़ होती है वो एक जगह छोटी से स्टार्ट करेंगे तो मे भी वो धीरे धीरे बड़ी जगह इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब समझा नहीं मैं क्या कहना सर, जैसे अगर जो आप काम कर रहे हो आपके साथी ना करें। हाँ मैं सर कोशिश करूँगा पहले तो मैं कभी ये रिश्वत वाला सर करप्शन ना करूँ, लेकिन अगर मेरे साथी हैं सर जैसे मेरे साथ कुछ जूनियर इंजीनियर्स होंगे सर मैं उनसे कहूँगा कि तुम भी ये मत करो सर, कोशिश करूँगा मेरे डिपार्टमेंट में ये सारा काम ना हो।
कोशिश करोगे? हाँ सर। और कोशिश सक्सेस, कोशिश के तो दोनों रिजल्ट हो सकते हैं सर। मैं मेरे ट्राई मेरी तरफ से पूरा 100% दूंगा। मैं तो आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप करोगे या नहीं करोगे? नहीं सर। और आपके ऊपर फिर आपका ट्रांसफर इधर उधर कर दिया कहीं जब भरतपुर के किसी लास्ट सर कोने में? अगर ये होगा तब भी नहीं करूँगा सर। अब जो हो रहा है सर वो तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर सर मैं नहीं करूँगा। अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ठीक है, पर मैं ये नहीं करूँगा। श्योर? यस सर। आपके सर एक बार बात, सर टेक्निकल पॉइंट से सर मेरा वाटर और वेस्ट वाटर मैं वो पढ़ के आया हूँ, सोइल एंड आरसीसी। आरसीसी सर कलकत्ता सर, मैं यहाँ से रेलवे रूट से गया था, ट्रेन रूट से सर। जोधपुर से सीधी एक ट्रेन है जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, मैं उससे गया था। सर उसका ट्रेन नंबर है 02458। सर मुझे ट्रेन में कभी नींद ही नहीं आती। हाँ सर। सर अगला दिन होता है सर, इसके लिए मैं हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ थोड़ा, कि वहाँ जाके 5 घंटा थोड़ा सो लिए, रेस्ट कर लिए, फिर आगे नई नई फिर आगे कुछ नई जगह घूमने की देख लेता हूँ। सर अभी सर सर मुझे इनका नाम पता है अभी, सर अश्वनी सर, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, पर अश्वनी नाम से हैं सर वो। यस सर। सर 2 साल तो नहीं सर, मैं मात्र 9 महीने ही रह पाया था, कोविड के कारण मैं वापस घर आ गया। हाँ सर। सर एक सॉरी सर, लेकिन सर धनबाद में मैक्सिमम जो कल्चर था सर वो वेस्ट बंगाल का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वह बंगाली का मतलब बिहारी वाला इन्फ्लुएंस इतना नहीं है अब, बंगाली मैक्सिमम पीपल से वहाँ के। सर एक तो सर जो हमारे मेजर डिफरेंस था कि सर वहाँ पे सर जो मैक्सिमम लोग हैं वो सर थोड़ा नॉन वेज को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रेफरेंस है नियर टू अबाउट 50% से ज़्यादा लोग यहाँ वेज की तरफ डोमिनेट है। और दूसरा सर यहाँ पे जो हमारा जैसे जो कल्चर है सर, यहाँ पे लोग सर मतलब थोड़ा खुला रहना, दूर दूर रहना पसंद करते हैं सर। हम जैसे एक घर है हमको बनाना चाहते हैं, फ्लैट सिस्टम हम इतना पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ के लोग फ्लैट सिस्टम ज़्यादा पसंद करने लग गए। सर हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, और सर इसका एक और मतलब है हिम का टुकड़ा, हिम मीन्स हिमालय का टुकड़ा। हाँ सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड? हाँ सर, मुझे कुछ मेरी जॉब के टाइम में कुछ यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। सर यही है ना सर कि जो मैं आपको एक प्रिस्क्राइब कराया जाएगा। सर ऐसा कुछ यार, सर अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, श्री अमित शाह। सर वो मुझे इतना बताया सर, वो बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और सर वो उत्तर प्रदेश में पहले एक अच्छे मतलब कि एक पोजीशन मिनिस्टर रह चुके हैं अमित शाह ना। सर सॉरी सर, थोड़ा सर मैं पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। सॉरी सर। सर होम मिनिस्टर का काम,
सर याद नहीं आ रहा। सर राजस्थान में प्रेजेंटली अब तो सर 10,000 के आसपास केस आ गए हैं पूरे राजस्थान में, 10,000 से नीचे। सर एक्टिव केस ही बता रहा हूँ 10,000 के। सर इंडिया में सर राजस्थान में सर नियर टू अबाउट 40 लाख के आसपास। सर आज का नहीं पढ़ पाया सर, आज मैं 5 बजे निकला था जोधपुर से तो नहीं पढ़ पाया। कल कहाँ सर देखा था तुमने? सर मैं सुबह 2:30 बजे उठा था तो सर फिर मैं सो गया था ट्रेन में। नहीं सर मतलब मैं लेट गया था क्योंकि सर दर्द हो रहा था। सर मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, 2:30 बजे फिर वैसे तो इस मारे लेट गया था। हाँ सर एक डोज लगा लिया सर, कोविडशील्ड। सर ये कोविडशील्ड बेसिकली सर WHO और एक लंदन की कंपनी है जिसका नाम यर्सन है। एक मिनट सर, WHO और सर एक जेरिका लंदन नाम की, जेरिका में एक लंदन की कंपनी, उन दोनों ने मिलके बनाया। हाँ सर। सर अभी सर प्रेजेंट में 84 डेज के आसपास, मतलब ले 84 डेज के बाद सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। सर 19 डेज के बाद सर इतना नहीं है सर, लेकिन मिनिमम टाइम बोला है कि आप 84 डेज के बाद लगाइए। सर इसका बस ये होगा कि जो आपका ने पहला डोज लगाया था वो हमारे बॉडी में कुछ टाइम तो रहता है, लेकिन आप नहीं सर उन्होंने बोला है कि आप मिनिमम 84 डेज के बाद लगाइए गवर्नमेंट ने। हाँ सर सर मैक्सिमम का सॉरी याद नहीं। RCC में सर एक बार प्लीज सर, आर्क ARCH वाला। अच्छा आर रेनफोर्स्ड। सर रेनफोर्स्ड मतलब सर एक तरीका सर हमने क्या करा कि सर सरिये और सीमेंट का सर एक कॉम्बिनेशन बनाना, तो सर वो रेनफोर्स मतलब उन दोनों को मिला के एक चीज कर देना। सर सरिये में स्टील रेनफोर्समेंट और सर वो जो बाकी वो सीमेंट, उसके अलावा सर सैंड वगैरह भी ऐड करते हैं। रेनफोर्समेंट तो सर हम ये स्टील बार्स को बोलते हैं। सर अभी सर प्रेजेंट में भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं। सर उससे पहले सर 34 मेंबर सर कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन सर मे बी घोष सर थे। इससे लास्ट वाला सर ही याद नहीं। सर पढ़ा था पर उनसे पहले वाला सर मैंने याद नहीं किया। यस सर। कंप्लीट क्या है? सर कंक्रीट सर इसका जवाब मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ। सर कॉन्क्रीट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीमेंट एंड एग्रीगेट्स एंड ऑल्सो वी कैन ऐड वाटर और इफ रिक्वायर्ड वी कैन ऐड एडमिक्सचर ऑल्सो। सर एग्रीगेट्स में सैंड, जो स्मॉल एग्रीगेट्स हो जाते हैं उनको हम सैंड बोल देते हैं, बाकी कोर्स एग्रीगेट्स। मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो कि इंडिया में यूज किया जाता है। सर इंडिया में सर इसका मुझे आंसर याद नहीं है, लेकिन सर मैंने M100 वाला का यूज़ देखा है एक बार। सर M100 का सर दिल्ली में मैंने गया था। सर दिल्ली में सर ये DMRC ने एक सर मतलब स्टील गर्डर लगा। क्या सर M100 का प्रपोजल क्या? सर वो तो याद नहीं सर, वो तो डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट से करते हैं तो उसका याद नहीं है।
सर M20 का सर, एक मिनट मिल सकता है सर? वन रेस टू वन पॉइंट फाइव रेस टू थ्री सर M30 के सर, वो तो डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट में आ जाते हैं सर, उसको फिर हम ट्रायल एंड एरर से करते हैं। सर होता है सर, वैसे सर नियर टू अबाउट वन रेस टू टू के आसपास करते हैं। अच्छा, आप देख के डिफरेंस बता सकते हैं क्या, वन बेस स्लैब और टू बेस स्लैब? सर कॉन्क्रीट स्लैब है, वन बेस स्लैब टू बेस स्लैब। सर देख के सर, अगर सर अंदाजा मैं इसके डायमेंशंस में लगा लेता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। वॉल की लेंथ कितनी होगी? सर 24 फुट के आसपास, 20 24 फुट के आसपास। सर मेरी हाइट 6 फीट है और सर वो नियर टू अबाउट ये 3 के बराबर चल जाएगा, मतलब ये 3 ब्लॉक्स के बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उस हिसाब से यहाँ से यहाँ। सर 11 फीट के, 11 या 12 फीट के आसपास। सर मेरे जैसे 2 इंसान खड़े हो सकते हैं शायद यहाँ। सर ये वाली टाइल्स का, सर अंदाजे से ही बताना है। एग्जैक्ट बता सकते हो? सर एग्जैक्ट अभी याद तो नहीं है सर। तो बस अप्रोक्सी बताइए, याद तो कैसे कर सकते थे इसको? यस सर, सर ये नियर टू अबाउट 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास। आप तो मुझे बताओ एक फिट में कितने मीटर होते हैं? 0.3133 मीटर होते हैं। 0.3133 सर एक फिट में मीटर पूछ रहे हैं सर? एक मीटर में कितने फिट? सर ने एक फिट में मीटर, मैंने एक फिट में पूछा था, एक फिट में क्या सर? क्या बताया आपने? एक फीट में नियर टू अबाउट सर 0.313 मीटर के आसपास होता है। 0.313 ठीक है। और एक फीट, एक मीटर में कितने फीट होते हैं? एक मीटर में सर फिर ये 3 फीट के आसपास आ गया। 3.14 कुछ ऐसा आता है सर। ओके, टाइल्स की स्टैंडर्ड साइज आपने कभी देखी होगी ना, ये जनरल लगती है कई जगह कंस्ट्रक्शन में ये स्टैंडर्ड साइज? हाँ सर लगती है सर, पर वो याद नहीं। कोई बात नहीं, चलो। ये 2x2 का सर, 2x2 ठीक है सर। पॉन्ड एश क्या होता है? क्या सर? पॉन्ड एश, पॉन्ड एश, एस सर ये इसका कोई आइडिया नहीं है। फ्लाई एश सर, ये फ्लाई एश क्या होता है सर? बेसिकली ये हमारे जो ESP वाले प्लांट्स होते हैं सर, उसमें ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जनरली ये सिलिका और एल्यूमिनिया के स्मॉल स्मॉल मतलब ग्लोब्यूल्स टाइप होते हैं छोटे छोटे, तो उसको सर हम सिविल इंजीनियरिंग्स में यूज लेते हैं, क्योंकि सर वो वहाँ पे वेस्ट होते हैं और यहाँ पे हम उनको यूज ले लेते हैं ऐसा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वेस्ट तो बहुत सारी चीज़ें सर, इसका ये फ़ायदा सबसे अच्छा होता है कि सर जैसे ये सीमेंट के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो सर ये जब सीमेंट के साथ ही सीमेंटेनियस बिहेवियर स्टार्ट कर देता है शो करना, तो इस मारे हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाता है कि हम सीमेंट को कम कर सकते हैं, फ्लाइज को उसकी जगह यूज ले लें। सर RCC और प्री स्ट्रेस का मेन, सर RCC में क्या होता है सर, जैसे कुछ मेंबर है तो वो कुछ कंप्रेशन में होगा कुछ टेंशन में होगा, लेकिन प्री स्ट्रेस में हम पहले इतना उसको टेंशन फोर्स दे देते हैं कि बाद। सर ये डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग सर प्री स्ट्रेस ज़्यादा बेटर है सर। RCC लेकिन इकोनॉमिकल पड़ जाता है, जैसे जैसे हमें छोटा कंस्ट्रक्शन करना है तो हम आप प्री स्ट्रेस से जाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। RCC भी सस्ता कोई और वे है सर?
फिर तो सर अगर जैसे नॉर्मल हम पीसीसी भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर की जरूरत कहाँ है सर, वो उस हिसाब से फिर नॉर्मल पीसीसी आरसीसी से भी सस्ता पड़ेगा। सर सीमेंट हम वाटर सैंड और कोर्स एग्रीगेट्स, और फिर अगर हम चाहे तो एडमिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। Yes. कंक्रीट में है ना सीमेंट? हाँ सर। फिर आगे नाम सीमेंट क्यों लगा? तो आगे ये नाम सीमेंट अलग से मेंशन क्यों? सर रेनफोर्समेंट प्लस सीमेंट गिव्स, मतलब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो कंक्रीट में सीमेंट है ना? हाँ सर। तो अलग से सीमेंट का नाम? सर इसके बारे में कभी सोचा नहीं। चलो कंक्लूड करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देखिए हिमांशु थोड़ा सा फीडबैक देते हैं आपको। यस सर। एक्चुअली जो स्टार्ट जब इंटरव्यू हुआ था तो जो आपके आंसर्स थे ना, मतलब वो इलोबरेटिंग आंसर, आप क्या कहना चाहते थे वो समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही पिन पॉइंट और फोकस्ड बोले, मतलब आप जो कहना चाहते थे ना कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, सेवा कोई करना चाहता है? अगर आप रियली में करना चाहते हैं तो आपके पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके सर। है ना, तो सेवा मत बोलो, जो रियली आंसर ऑनेस्टी नजर आनी चाहिए इंटरव्यू में, झूठ नजर नहीं आना चाहिए, वो सामने पता लगता है। तो आप ये बोलो कि सर मैं अपना सबसे पहले सस्टेनेबल लाइफ के लिए, क्योंकि पहली चीज़ तो वही ना, सस्टेनेबल लाइफ आजीविका चलाने के लिए मतलब पैसा तो चाहिए ना। हाँ सर। इसीलिए कोई भी आदमी काम कर रहा है, तो सबसे पहले रीजन आप सच्चाई बताओ इंटरव्यू में। ये मत बोलो कि मेरे को सारी सेवाएं, सेवा तीसरा पॉइंट लाओ, फर्स्ट पॉइंट ही सेवा बता दिया तो एनजीओ खोलो ना, है ना, तो सामने वो सेवा में आपको। ओके सर। है ना, तो पहले आप ये बोलो कि सर मेरे को सबसे पहले जो नीड है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या सस्टेनेबल लाइफ के लिए मुझे सबसे पहले तो ये जॉब की जरूरत है। दूसरा, ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं और मैं कुछ अच्छे निर्णय लेके किसी आम आदमी की या अंतिम व्यक्ति की सेवा करना कर सकता हूँ। और इस बहाने सेवा मतलब मेरे काम के साथ साथ जहाँ मेरी सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग भी कर सकूँ और मैं उनको फ़ायदा भी पहुँचा सकूँ। तो इस तरीके के आंसर आपको पिन टू पॉइंट, यानी घुमाना नहीं है आंसर। तुम जब खुद रिकॉर्डिंग सुनना, तुम जब शुरू में बोल रहे थे पता ही नहीं लग रहा था क्या बोलना चाह रहे हो आप, है ना। तो ये हमने जो महसूस किया, पहला तो आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और क्या कहना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। और सेवा वेवा ज़्यादा वर्ड यूज मत करना भाई, जब या तो कौन कर रहा है, और या तो कर रहे हो तो आपके पास पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए कि आप का आप उसको जस्टिफाई कर पाओ, तो वो अपने पास है नहीं, तो वो सब ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी। दूसरी चीज़, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बचपन से पानी का नल नहीं देखते, बचपन से। सर मैं उस टाइम वो कहना चाह रहा था कि मैं इन चीज़ों से शुरू से ज़्यादा अट्रैक्टेड होता हूँ सर। ये बच्चों के आंसर हैं कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, रोड थे मेरे को अट्रैक्ट करते थे, फिर मैं बड़ा हो गया सिविल इंजीनियर को। जानते थे अपन 12वीं तक जानते भी थे क्या सिविल इंजीनियर बनोगे? नहीं सर ये तो हाँ, लेकिन मैंने सिविल इंजीनियरिंग इसी कारण से ली थी। लेकिन अपन ऐसा अगर है तो फिर उसको बताओ, जस्टिफाई करो कि जब मैं 12th क्लास में था तो मैं जब उस तक गुजरता था, आप उसको जस्टिफाई करो अच्छे से। जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर दिक्कत है। ओके सर। है ना, तो आप आंसर ये दो कि लाइक क्यों पीडब्ल्यूडी चुना? आप उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि एनवायरमेंट में तो ये कर लिया, वाटर सोर्स की प्रॉब्लम बता दी, और आउटपुट काम पीडब्ल्यूडी में करना चाहते हो। सो सर आप ही कह रहे हो अगर जो प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं तो मैं पीडब्ल्यूडी रिलेटेड नहीं, इसको आंसर ऐसा करो ना, जब मैंने पूछा कि पीडब्ल्यूडी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इसको बोलो कि सर मेरे लिए सारे डिपार्टमेंट बराबर हैं, क्योंकि मैंने फीडबैक लिया अपने सीनियर से और अपने नॉन से, तो उन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी में वर्क स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सीखने का थोड़ा मौका ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैंने पहला प्रेफरेंस आपने मांगी इसलिए मैंने पीडब्ल्यूडी दे दी। अदरवाइज सर मेरे लिए डब्ल्यूआरडी मिलता है तो भी मैं उतनी पोटेंशियल से काम करूंगा, मैं पीएचडी मिलता है तो भी उतने पोटेंशियल से काम करूंगा, मेरे लिए तीनों बराबर है, क्योंकि प्रेफरेंस भरनी थी क्योंकि वर्क ऑफ स्कोप ज़्यादा होता है ऐसा सुना है मैंने, इसलिए मैंने पीडब्ल्यूडी भरा। तो अगर सर मुझे जो मैंने अपनी पढ़ाई करी है सिविल इंजीनियरिंग की वो तीनों जगह मैं अपनी बेस्ट यूज करूंगा और पीएचडी भी मिलता है मुझे सेकंड प्रेफरेंस, तो मेरी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग अच्छे से काम आ सकती है। तो इस तरीके से आप उसको ऐसा बोलो कि ना हो, है ना, और समस्याएं बताओ तो साथ में रोड की भी बताओ ना, अकेले वाटर की क्यों बता रहे हो? नहीं सर उसके अलावा बोलने वाला था सर, लेकिन वो हाँ मतलब वो आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टडी नहीं करी थी, आप बहुत टाइम दिया था मैंने, आप देखना उसको आंसर। हाँ सर। आप बहुत देर तक पानी पे अटके थे। अच्छा। जब मैंने समस्याएं पूछी थी ना तो आप रोड तक आए ही नहीं बहुत देर तक। सर लेकिन रोड से रिलेटेड हमारे स्टेट में इतनी समस्या है ही नहीं, तो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कुछ तो समस्याएं होगी या है ही नहीं पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड समस्याएं? आप ये कहोगे ना कि सर पानी की समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, पांच समस्या
बताओगे, तो आप उसको कंक्लूड करके चलो कि पीएचडी की भी आ जाए, डब्ल्यूआरटी की भी आ जाए और पीडब्ल्यूडी की भी आ जाए। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।